Hey class 9th, केम छो मेरी जान, मस्त मजा मा, please let me know in the comment section. आज के इस वीडियो की बात करते हैं, आज हम सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले. हाँ बिल्कुल, क्लास 9th के इंग्लिश के टर्म 1 के एग्जामिनेशन में जिस तरीके का पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, एग्जैक्टली सेम तरीके से हमने इस सैम्पल पेपर को डिजाइन करा है. इसका मतलब ये है कि आपके टर्म 1 के एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा. है ना एक्साइटिंग? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, आपको दिखाएंगे कि भाई कैसे हमारा रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर सभी सेक्शंस में केवल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ही आने वाले हैं. आप इन क्वेश्चंस के लिए पहले ही रेडी हो जाओ, ताकि आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चंस आए ना, तो आप चुटकियों में कर ले जाओ. मेरे भाई, आपने इंग्लिश में कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, इट्स ओके. आज मैं जो ट्रिक, जो तरीका बताने वाला हूं, इस ट्रिक से आपके 40 out of 40 बिल्कुल पक्के हो जाने वाले हैं, ट्रस्ट मी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन है वो 1.5 घंटे का है, 90 मिनट्स मिलने वाले हैं आपको, और टोटल 40 मार्क्स कैरी करता है ये. ठीक है, तो भाई पेपर पैटर्न नया है, आप जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो चाहो तो. हमारा रीडिंग सेक्शन 18 क्वेश्चंस कंटेन करता है, जिसमें से हमें केवल 14 क्वेश्चंस करने. राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन मिलाकर 12 क्वेश्चंस हैं, करने हमें केवल 10 है. ऐसे ही लिटरेचर में 24 क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमें अटेम्प्ट केवल 20 क्वेश्चंस ही करने. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सेक्शन ए. रीडिंग सेक्शन को सबसे पहले करते हैं. देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका पैसेज वाला होता है, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, देखो पैसेज वाले क्वेश्चंस को करते कैसे. पैसेज वाले क्वेश्चंस में आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. हाँ बिल्कुल सही कहा मेरे भाई, पैसेज नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पर आ जाना है. क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है भाई ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 8 questions out of 10. मतलब 10 में से आपको केवल 8 क्वेश्चंस करने. यहां पर तो उसने आसान कर दिए हैं. अब आपका तरीका क्या होना चाहिए, तरीका ये होना चाहिए भाई कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो. क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसी क्वेश्चन में से एक इंपॉर्टेंट वर्ड, एक डिफिकल्ट वर्ड को उठा लो और उसी को पैसेज में सर्च करो, वहीं पर आपका आंसर मिल जाएगा. चलो मैं आपको करके दिखाता हूं. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भाई द रीजन व्हाई लिविंग ऑन द एज Has become popular is because of the. देखो living on the edge का मतलब क्या होता है, आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा. Living on the edge का मतलब होता है रिस्क लेना, रिस्क लेकर अपनी जिंदगी जीना. तो कह रहा है कि भाई लोग रिस्क क्यों लेते हैं, रिस्क लेना इतना पॉपुलर क्यों हो चुका है. तो भाई अब इसका आंसर हमें पैसेज में ढूंढना है, तो एक वर्ड यहां से निकाल लो. चलो जैसे मैंने एज ढूंढ लिया, अब इसी एज को हमें पैसेज में ढूंढना है कि भैया एज वर्ड कहां लिखा है. एज एज देखो, आपको जहां मिले आप बताना मुझे जरूर. ठीक है, एज 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 एज, यस हियर इट इज, आप देख पा रहे हो यहां पर. ठीक है, अब देखो इस पूरे लाइन को पढ़ते हैं कि वी कैन थिंक इट्स काइंड ऑफ एक्साइटिंग टू लीव लाइफ ऑन द एज. हम ऐसा सोचते हैं कि भाई अगर हम रिस्क लेकर जिएंगे तो हमें एक्साइटमेंट मिलेगी. मतलब लोग रिस्क क्यों लेते हैं, एक्साइटमेंट के लिए, लगातार उनके जीवन में कुछ बदलता रहे इसलिए लोग रिस्क लेते हैं. ठीक है, आंसर मिल गया कि भाई लोग रिस्क क्यों लेते हैं, ताकि उन्हें एक्साइटमेंट मिल सके. सो ऑप्शंस क्या है, कॉन्स्टेंट नीड फॉर समथिंग डिफरेंट, वो हमेशा कुछ ना कुछ अलग करना चाहते हैं. बिल्कुल यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होने वाला है. पॉपुलेशन बीइंग मच यंगर, ये तो गलत है यार भाई कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत छोटी है, ना समझ है इसलिए ऐसा कर रही है. नहीं, ये तो गलत है. एग्जॉस्टिंग एफर्ट टू मेक चेंजेस, हम समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं इसलिए हम रिस्क लेते हैं. नहीं भाई, कोई दूसरों के लिए रिस्क नहीं लेता, सब अपने लिए रिस्क लेते हैं, खुद को मजा आए इसलिए लोग रिस्क लेते हैं. ठीक है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू स्टे विद इन आवर लिमिट्स, मतलब आप अपने हद में रहें इसलिए हम रिस्क लेते हैं. नहीं भाई, रिस्क लेता है जो इंसान, वो अपनी हद भूल जाता है. ठीक है, तो ये तीनों भी बिल्कुल नहीं होने वाला है. हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल ए वाला है, कॉन्स्टेंट नीड फॉर समथिंग डिफरेंट. भाई देखो, बहुत ध्यान से आपको इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है यार, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें जो पेपर पैटर्न दिखाया गया है ना, एग्जैक्टली आपके टर्म 1 के एग्जामिनेशन में आने वाला है. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सेंट्रल आइडिया पता करना है. मेरे भाई सेंट्रल आइडिया का मतलब पता है कि नहीं, सेंट्रल आइडिया का मतलब है कि भाई ये पैसेज हमें क्या मैसेज देना चाह रहा है, हमें क्या सिखाना चाह रहा है. मैं आपको बताता हूं, सेंट्रल आइडिया ढूंढने का एक बहुत ही तगड़ा ट्रिक है कि भाई जब भी पैसेज में सेंट्रल आइडिया पूछे ना, फटाफट लास्ट पैराग्राफ
पढ़ डालो। जी हाँ, लास्ट पैराग्राफ पढ़ो और लास्ट पैराग्राफ में जो भी आपको समझ में आता है समझ जाओ, वही हमारा सेंट्रल आइडिया है। लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। फाइनली आई अंडरस्टूड आई वॉज लिविंग इन अनसस्टेनेबल लाइफ। आखिरकार मुझे समझ में आया कि मैं जैसी जिंदगी जी रहा था ऐसे जीना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। मुझे अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना था और मुझे अपने नजरिए में, अपने रहन सहन में बदलाव लाना था। क्यों? क्योंकि मैं जैसी जिंदगी जी रहा था ऐसे जीना मेरे लिए संभव नहीं था। यू एंड आई डोंट हैव टू बी लाइक एवरीवन एल्स एंड कीप अप विद एवरीवन एल्स। कह रहा है कि भाई तुम्हें और हमें दूसरों की तरह बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें, हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना है और इस बात का हमें पछतावा नहीं होना चाहिए। वी आर नॉट ऑल अलाइक, हम सब एक जैसे नहीं है। एंड वी नीड टू फाइंड अ कंफर्ट जोन, हमें अपना कंफर्ट जोन ढूंढना पड़ेगा। हमें जिस चीज में खुशी मिलती है हमें वही करना चाहिए। वी कैन एंजॉय आवर लाइफ। कह रहा है कि भाई हमें अपने जीवन को एंजॉय करना चाहिए, खुश रहना चाहिए अपने जीवन में, इंस्टेड ऑफ मेकिंग आर सेल्फ सिक विथ एन ओवरलोड स्ट्रेस एंड प्रेशर। कह रहा है कि भाई मतलब आखिरकार इस पूरे पैसेज को पढ़ के हमें ये पता चलता है कि हमें अपने लाइफ में केवल उतना ही काम करना चाहिए जिसकी जरूरत हो, हमें एक्स्ट्रा लोड और प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई हम सब अलग हैं, हम दूसरों की तरह नहीं बन सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? हमें क्या समझ में आया? हमें यह समझ में आया कि भाई हमें उतना ही काम करना चाहिए जिससे हमारा काम चल जाए, ठीक है। चलो, तो इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फाइंडिंग अ हैप्पी बैलेंस बिटवीन वर्क एंड फ्रेंड्स। कह रहा है कि भाई इसका सेंट्रल आइडिया ये होना चाहिए कि हमें वर्क और फ्रेंड के बीच में बैलेंस बना के रखना चाहिए। नहीं मेरे भाई, वर्क और फ्रेंड की तो बात ही नहीं हो रही है, फ्रेंड की तो बिल्कुल ही बात नहीं हो रही, ठीक है। तो ये वाला तो ऑप्शन तो होगा ही नहीं। टू गो बियॉन्ड इज एज रॉन्ग एज टू फॉल शॉर्ट। कह रहा है कि किसी चीज को ज्यादा कर लेना उतना ही गलत है जितना उस चीज को कम करना। नहीं, ये भी नहीं है भाई। लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसाइकिल। नहीं, साइकिल व्हीकल कहाँ चला रहे हो। बैलेंस इज नॉट समथिंग यू फाइंड, इट्स समथिंग यू क्रिएट। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि भाई बैलेंस, हमें अपने जीवन में हमेशा बैलेंस बना के रखना चाहिए और ये बैलेंस हम ही बनाते हैं, ठीक है। इस बैलेंस को तुम कहीं ढूंढोगे नहीं, इसे तुम्हें बनाना पड़ेगा। तुम्हें अपना कंफर्ट जोन ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें जिस चीज में खुशी मिलती है तुम्हें वो करना पड़ेगा। तुम्हें एक्स्ट्रा स्ट्रेस और प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने लाइफ में बैलेंस बना के रखना चाहिए। किसके किसके बीच में? वर्क एंड हैप्पीनेस के बीच में, ठीक है। चलो, आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिले। सो सेकंड क्वेश्चन इज डन नाउ। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। सो डी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर एप्ट अबाउट द राइटर इन द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। कह रहा है कि भाई आपके सामने यहां पर एक लाइन दिया गया है, आपको इस लाइन को पढ़ना है और इस लाइन को पढ़ने के बाद इस लाइन के राइटर के बारे में आपको क्या क्या पता चलता है, बस वही आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप, ऐसा होता है ना कि हम कई बार लोगों की बातें सुनकर बता देते हैं कि वो इंसान कैसा होगा। जैसे कोई इंसान गाली देता है तो हम बोल देते हैं ना वो गंदा लड़का होगा। कोई इंसान अच्छी बातें करता है तो हम बोलते हैं ना वो अच्छा लड़का होगा। कोई इंसान एकदम सच बातें करता है, सही सही बोलता है तो हम बोलते हैं ना वो एकदम सच्चा लड़का है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको इस लाइन को पढ़ना है और बताना है कि भाई राइटर किस तरीके का इंसान है, ठीक है। लाइन क्या है? कह रहा है कि आई नो आई हैव लिमिट्स। मुझे पता है कि मेरी भी कुछ लिमिट्स हैं और मुझे यह भी पता है कि मैं उस लिमिट तक पहुंच चुका हूं, लेकिन मैं अपनी लिमिट को भूल कर आगे बढ़ना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि हाउ लॉन्ग आई कैन गेट बाई विद इट। अब ऑथर कह रहा है कि भाई मुझे पता है कि मेरी भी कुछ लिमिट्स हैं, मेरी भी कुछ हदें हैं, लेकिन मैं उस लिमिट तक पहुंच चुका हूं और उस लिमिट को क्रॉस करने जा रहा हूं क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि लिमिट क्रॉस करने पर होता क्या है मेरे साथ, ठीक है। चलो, अब इस लाइन को पढ़कर आपको क्या पता चलता है? क्या ऑथर निग्लिजेंट है, मतलब क्या ऑथर अपनी चीजों को नजरअंदाज कर रहा है? बिल्कुल, ऑथर क्या कर रहा है? ऑथर अपनी लिमिट्स को निग्लिजेंट कर रहा है, अपनी लिमिट्स को क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है। इग्नोर और निग्लिजेंट एकदम एक ही चीज है, ठीक है। तो बिल्कुल ऑथर क्या है? ऑथर चीजों को इग्नोर कर रहा है, ऑथर अपनी लिमिट्स को इग्नोर कर रहा है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल होगा। क्या ऑथर इनडिसाइसिव है, मतलब ऑथर फैसला नहीं ले पा रहा है? गलत, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या ऑथर स्पॉन्टेनियस है, मतलब तुरंत अपना काम करने वाला इंसान है ऑथर? नहीं, ये भी नहीं है। क्या ऑथर रेकलेस है, मतलब लापरवाह है? बिल्कुल भाई, इस लाइन को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि ऑथर लापरवाह है। क्यों? क्योंकि ऑथर को पता है कि वो अपने लिमिट तक पहुंच चुका है और इसके आगे उसे नहीं बढ़ना है,
लेकिन फिर भी ऑथर लापरवाह है, इसलिए वो अपनी लिमिट को क्या कर रहा है, इग्नोर कर दे रहा है। ठीक है, लापरवाह इंसान क्या करता है, उसे पता है कि मुझे ये काम करने से नुकसान होगा लेकिन फिर भी वो काम करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेकलेस कहते हैं। ठीक है, तो ऑथर क्या है, सबसे पहला निग्लिजेंट है, दूसरा रेकलेस है, पर्पसलेस भी है। क्या क्या ऑथर का कोई एम नहीं है, नहीं ये भी नहीं है। क्या ऑथर बहुत ही शांत किस्म का इंसान है, नहीं ये भी नहीं है। तो हमारा दो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वन एंड फोर, देख लो वन एंड फोर किस में है, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में आपको इस पैसेज का टाइटल बताना है, तो पैसेज तो हमने पढ़ा नहीं है, तो टाइटल अभी हम नहीं बता पाएंगे, तो इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें 10 में से केवल 80 क्वेश्चन तो करने हैं ना, तो टाइटल वाला क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि द फ्रेज पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टेंसेस। अब देखो यहां पर एक फ्रेज यूज हुआ है, पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टेंसेस। इस फ्रेज का मतलब क्या होता है, देखो पोटेंशियली का मतलब क्या होता है, पोटेंशियली का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, मतलब किसी चीज के अंदर क्षमता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी होता है, और हार्मफुल का मतलब नुकसानदायक, और सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है कंडीशन। तो भाई इस तीनों वर्ड को अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे तो हमें ऐसा पता चलता है कि संभवतः ऐसा पॉसिबल है कि हम खतरे में पड़ जाएं, कुछ ऐसा ही मतलब हो रहा है ना इस फ्रेज का। चलो तो चलो पढ़ते हैं। सर्टेनली बी डेंजरस, क्या इस फ्रेज का मतलब है कि निश्चित ही हम खतरे में पड़ेंगे, नहीं। सर्टेनली का मतलब होता है भाई फिक्स होना, और पोटेंशियली का मतलब होता है पॉसिबल होना, संभव है लेकिन फिक्स नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। फेयरली डेंजरस मतलब कि नुकसान होना ही होना चाहिए, नहीं। पॉसिबल का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज होना ही होना चाहिए, पॉसिबल का मतलब वो चीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बिल्कुल, याद देखो सी वाला ऑप्शन लिखा गया है, बी पॉसिबली डेंजरस, मतलब हाँ ऐसा हो सकता है कि ये हमारे लिए नुकसानदायक हो, पॉसिबिलिटी है लेकिन फिक्स नहीं है। ठीक है, तो हमारा पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा इज आवर करेक्ट आंसर, बी पॉसिबली डेंजरस। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूज ऑफ अनसस्टेनेबल वर्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। कह रहा है कि भाई आपके पास यहां पर चार ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस में आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं। अब इन ब्लैंक्स में आपको क्या करना है, अनसस्टेनेबल वर्ड को फिल करना है और देखना है कि ये जो वर्ड है किस सेंटेंस में फिट बैठ जाता है, बस वही सेंटेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लो, सबसे पहले सभी ब्लैंक्स में ये वर्ड भर लो, अनसस्टेनेबल। ठीक है, अनसस्टेनेबल वर्ड को आपको सभी ब्लैंक में फिल कर लेना है और फिर देखना है कि कौन से लाइन में ये वर्ड एकदम फिट बैठ रहा है। ठीक है, चलो पहली लाइन पढ़ते हैं। कह रहा है कि इन द लॉन्ग रन द अनसस्टेनेबल, अनसस्टेनेबल का मतलब पता है ना, जिसके साथ सस्टेन ना किया जा सके, मतलब जिसके साथ जिया ना जा सके। ये अनसस्टेनेबल वर्ड किसी सिचुएशन के लिए यूज होती है, किसी कंडीशन के लिए यूज होती है। ठीक है, किसी सिचुएशन के लिए हमेशा यूज होगी, क्योंकि कोई ऐसा माहौल होता है जिस माहौल में हम नहीं जी सकते, जिस माहौल में हम नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना अनसस्टेनेबल किसी सिचुएशन के लिए यूज होगा। तो देखो अनसस्टेनेबल ऑफिशियल्स के लिए यहां पर यूज हुआ है, तो ये भी हमारा गलत होगा, क्योंकि अनसस्टेनेबल किसी इंसान के लिए यूज नहीं होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, इमरजेंसी प्रोसीजर्स वर अनसस्टेनेबल बाई द ऑफिशियल्स। कह रहा है कि भाई जो इमरजेंसी प्रक्रिया है ना, वो ऑफिसर्स द्वारा अनसस्टेनेबल है। अब यहां पर भी कोई सेंस नहीं बना रहा है ये। तीसरा, ऑफिशियल्स रिपोर्टेड इन अनसस्टेनेबल सेट ऑफ इवेंट्स। देखो अनसस्टेनेबल वर्ड यहां पर सेट ऑफ इवेंट्स के लिए यूज हुआ है। आपको पता है इवेंट कभी अनसस्टेनेबल नहीं होता है, इवेंट या तो अच्छा होता है या तो बुरा होता है, कभी भी अनसस्टेनेबल नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इवेंट में जाने के बाद जिंदा नहीं रह सकते हो। ठीक है, तो सी वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। हमारा बचा कौन सा, डी, बिल्कुल करेक्ट, यही वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। कह रहा है कि ऑफिशियल्स एडमिट दैट द इमरजेंसी सिस्टम इज अनसस्टेनेबल इन द लॉन्गर रन। कह रहा है कि भाई ऑफिसर्स ने ये बात मान ली है कि इमरजेंसी प्रक्रिया लंबे समय तक के लिए चलाई नहीं जा सकती, मतलब इमरजेंसी प्रक्रिया में हम लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकते हैं, अनसस्टेनेबल है ये। ठीक है, तो हमारा अनसस्टेनेबल वर्ड कौन से लाइन में यूज होगा, डी वाले लाइन में। समझ में आया, मजा आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल मजा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि द ऑथर अटेम्प्ट्स टू डैश द रीडर्स थ्रू दिस राइटअप। कह रहा है कि भाई ऑथर
हमें इस पैसेज के थ्रू क्या बताना चाहता है। हमने इस पैसेज में पढ़ा, इस पैसेज का मैसेज क्या था, हमने सेंट्रल आइडिया भी पढ़ा ना इस पैसेज का, कि भाई हमें दूसरों की तरह बनने की जरूरत नहीं है, हमें उतना ही काम करना चाहिए जितने में हम खुश रह सकें, हमें एक्स्ट्रा लोड और प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, हम उतना काम नहीं कर सकते हैं जितना दूसरा कर सकता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, मतलब ऑथर हमें एडवाइस दे रहा है कि अगर अपनी लाइफ को हैप्पी बनाना है तो केवल उतना ही काम करो जिसमें तुमको परेशानी ना हो। तो ऑथर क्या कर रहा है, हमें एडवाइस दे रहा है ना। चलो ऑप्शंस देखते हैं। देखो, क्या ऑथर हमें रिब्यूक कर रहा है, क्या ऑथर हमें अवेयर कर रहा है क्या किसी चीज को लेकर, नहीं। क्या ऑथर हमसे क्वेश्चन कर रहा है, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत होगा। क्या ऑथर हमारी हेल्प करना चाहता है, नहीं। ऑथर हमें एडवाइस दे रहा है कि भाई साहब अपनी जीवन को हैप्पी बनाना है अगर, तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बैलेंस बनाकर रखना होगा, तुम्हें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा लोड और प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भाई व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज टू गेट आवर लाइफ इन ऑर्डर। ऑथर ने ना इस पैसेज में एक फ्रेज यूज किया है, टू गेट आवर लाइफ इन ऑर्डर। इस फ्रेज का मतलब क्या है, देखो भाई आपको मतलब तभी पता चलेगा जब ये फ्रेज कहां यूज हुआ है वो पता चलेगा। तो सबसे पहले ये ढूंढते हैं कि टू गेट आवर लाइफ इन ऑर्डर कहां यूज हुआ है पैसेज में। ठीक है, शुरू से पढ़ेंगे, टू गेट आवर लाइफ्स इन ऑर्डर, टू गेट आवर लाइफ्स इन ऑर्डर। ये देखो यहां लिखा गया है टू गेट आवर लाइफ्स इन ऑर्डर। इस पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं, यू एंड आई नीड टू मेक अ डिसीजन, हमें या तुम्हें एक फैसला लेने की जरूरत है कि हम अपने जीवन को ऑर्डर में लेके आएंगे। ऑर्डर में लेके आना मतलब लाइन में लेके आना, सिस्टमेटिक तरीके से जीना। ठीक है, तो पता चल गया टू गेट आवर लाइफ इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से जीना, एक सिस्टम से जीना। ठीक है, चलो तो अब हम ऑप्शंस को देखते हैं और चूज करते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। टू रिज्यूम आवर लाइफ, क्या अपने जीवन को फिर से शुरू करना, नहीं। क्या अपने जीवन को सिस्टम से जीना, बिल्कुल। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, अपने जीवन को एकदम सिस्टमेटिक तरीके से जीना, लाइन से जीना। ठीक है, तो बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। रीबिल्ड, क्या हमें अपने जीवन को दोबारा बनाना है, गलत है। क्या अपने जीवन को कंट्रोल करना है, गलत है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि द ऑथर एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड बाउंड्रीज इन आवर लाइफ यूजिंग द एग्जांपल ऑफ। कह रहा है कि भाई इस पैसेज में ऑथर ने हमें अनुशासन, डिसिप्लिन सिखाया है, हमें यह सिखाया है कि हमें अपने जीवन में कुछ लिमिट रखनी चाहिए, और इन दोनों चीजों को ऑथर ने एक एग्जांपल से समझाया। कौन सा एग्जांपल से, क्या रोड के एक्सीडेंट का एग्जांपल लिया है, ट्रैफिक रूल का एग्जांपल लिया है, या हाईवे के बीचों बीच जो लाइन बनी होती है उस चीज का एग्जांपल लिया है, या हमें गाड़ी सेफली चलानी चाहिए इस चीज का एग्जांपल लिया है। तो हमें क्या करना है, इस आंसर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है पता है, तुम्हें इन चारों ऑप्शंस में से पैसेज में ढूंढना है कि इन चारों में से कौन सा वर्ड यूज हुआ है, बस वही करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो देखते हैं, कहीं रोड एक्सीडेंट, ट्रैफिक रूल और हाईवे लाइन और सेफ ड्राइविंग, इन चारों वर्ड में से कौन सा वर्ड यूज हुआ है। सबसे पहले डिसिप्लिन और बाउंड्री वर्ड को ढूंढते हैं, उसी के आसपास हमें ये मिलेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम डिसिप्लिन और बाउंड्री वर्ड को ढूंढेंगे। डिसिप्लिन और बाउंड्री वर्ड कहां है, डिसिप्लिन एंड बाउंड्री, डिसिप्लिन एंड बाउंड्री, ये देखो डिसिप्लिन और बाउंड्री। अब देखो यहीं पर तुम्हें कहीं मिलेगा डिसिप्लिन, एस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज, बॉर्डर्स इन आवर लाइफ, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वी कैन डू, अ लाइफ विदाउट डिसिप्लिन इज वन दैट फिल्ड विद केयरनेस। कह रहा है कि भाई एक जिंदगी जिसमें डिसिप्लिन नहीं है वो एक लापरवाही भरी जिंदगी होती है, और हम सबको इसमें मजा आता है, रिस्क लेकर जीने में हमें मजा आता है। ठीक है, हमें ये पता है कि भाई रिस्क लेना हमारे लिए बहुत ही प्राउड का काम होता है, मतलब जो लोग रिस्क लेते हैं उनको बहुत ज्यादा दबंग यानी डेयरिंग माना जाता है, और लोग ये काफी पॉपुलर हो गया है रिस्क लेना, क्योंकि लोग अपने आप को दबंग दिखाना चाहते हैं। बट इफ यू सी इवन हाईवेज हैव लाइन, देखो यहां पे लिखा गया ना हाईवे की लाइन का एग्जांपल, देखे ऑथर ने हमें डिसिप्लिन सिखाया है। ठीक है, तो देखो कहां यूज हुआ है हाईवे की लाइन, हाईवे लाइन, हाईवे लाइन ऑप्शन में है क्या, क्वेश्चन नंबर नाइन, हाईवे लाइन, बिल्कुल। ऑथर ने हमें डिसिप्लिन और बाउंड्री सिखाया है, कौन सा एग्जांपल लेके, हाईवे की लाइन से। आपको पता है हाईवे के बीचों बीच जो लाइन बनी होती है, अगर आप उस तरफ जाते हो तो आपको जो दूसरी गाड़ियां, जो दूसरे तरफ से आ रही हैं गाड़ियां, वो एक्सीडेंट कर देंगी। अगर आप लाइन के इस तरफ जाते हो तो हो सकता है इधर गड्ढा वड्ढा हो, आप गिर सकते हो। ठीक है, तो हाईवे पे जो लाइन बनी है
उसका एग्जाम्पल लेकर ऑथर ने हमें डिसिप्लिन और बाउंड्रीज के बारे में सिखाया है. सो हियर इट इज, हमने 10 में से 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ली हैं. लेट्स मूव टू द पैसेज नंबर 2. हे डियर लर्नर्स, होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर टर्म वन एग्जामिनेशन. और आपको इतना तो पता ही होगा कि इस बार आपका जो टर्म वन एग्जामिनेशन होने वाला है उसका पेपर पैटर्न बिल्कुल हटके आने वाला है. जी हाँ, और आप अपनी टर्म वन की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें आपको डाउट्स भी आते होंगे, तो क्या किया जाए? अनअकैडमी इसी के लिए लेकर आया है आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन पैकेज, जिसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर का यूज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो. और अपने आने वाले एग्जाम के लिए इमर्ज मेगा मॉक बोर्ड एग्जाम के मॉक टेस्ट से प्रिपेयर कर सकते हो. जी हाँ, ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आपके पास चांस है कि आप 50 लाख तक के इनाम जीत सकते हो. जो टॉप रैंकर्स होंगे इस टेस्ट में, उनको मैकबुक एयर, आईपैड प्रो, आईफोन 12, OnePlus 9, लैपटॉप, हेडफोन्स, अनअकैडमी के ब्रांडेड ट्रॉफीज और गुडीज भी दिए जाते हैं. भाई ये जो मॉक टेस्ट होने वाला है ये क्लास 10th एंड 12th के लिए होगा. ये अगर आपके बड़े भैया हैं, आप क्लास 9th में हो, आपके बड़े भैया हैं या आपकी कोई बड़ी दीदी है, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि भाई ये मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है. 27 टू 30 नवंबर के बीच में 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ये टेस्ट चलेगा. अब कौन से दिन, कितने टाइम, कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है, आप पीछे बैनर पे देख सकते हो. और केवल इतना ही नहीं, आपको अगर किसी भी तरीके की डाउट भी आती है ना, तो आप अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर का यूज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो. अगर आप अपने 10 डाउट अनअकैडमी के आस्क अ डाउट से पूछते हो ना, तो आपको 15 दिन का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल जाता है. और ये ऑफर केवल सीबीएसई 6 to 12, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, आईआईटी जेई, नीट और एनटीएससी और ओलंपियाड की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए ही है. अगर आपको अनअकैडमी आस्क अ डाउट यूज करना नहीं आता, तो मैं आपको बता दूं, आपको AAD अनअकैडमी आस्क अ डाउट अनअकैडमी के लर्निंग एप्लीकेशन पर मिल जाएगा. आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है, जस्ट क्लिक द पिक्चर ऑफ दैट क्वेश्चन, अपलोडेड, आपको सब्जेक्ट पूछेगा कौन से सब्जेक्ट का ये डाउट है, सब्जेक्ट बताओ, यू विल गेट योर आंसर. सो किस चीज का वेट कर रहे हो यार, फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर आपको मॉक टेस्ट में एनरोल करने का लिंक मिल जाएगा. प्लीज क्लिक ऑन द लिंक और फ्री में इस मॉक टेस्ट को अनलॉक करो. मेरा कोड है PREM. आप इसी कोड का यूज करके अनअकैडमी से किसी भी तरीके की परचेसिंग 10% डिस्काउंट पे कर सकते हो. सो गो एंड एंजॉय. Now we will do second question of reading section. और ये reading section का आखिरी question होने वाला है. इसमें भी हमें passage को पढ़ना है, दिए गए questions के answer करने हैं. देखो unseen passage को करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है. क्या तरीका है? सबसे पहले हमें question को पढ़ना है, question में से किसी एक word को ढूंढ लेना है और उसी word को हमें passage में ढूंढना है. जहां पे ये word हमें मिल जाएगा passage में, समझ जाओ उस question का answer भी उसी line में है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वर्ड पिक करेंगे और उसको पैसेज में ढूंढेंगे. क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पैसेज आंसर एनी 6 of 8 क्वेश्चंस. इसमें आपको 8 क्वेश्चंस दिए हैं, करने केवल 6 हैं. ठीक है, तो आप 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो. पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि भाई व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, मतलब अंधा होने का सबसे बड़ा कारण क्या है. देखो अब ब्लाइंडनेस वर्ड हमने पिक कर लिया, इसी वर्ड को हमें पैसेज में ढूंढना है कि ब्लाइंडनेस कहां यूज हुआ है. वहीं पे हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि अंधा होने का कारण क्या है. ब्लाइंडनेस देखो यहां पर यूज हुआ है, ब्लाइंडनेस, और यहीं पर लिखा गया है कि कैटारैक्ट इज द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, मतलब अगर मोतियाबिंद हो गया किसी इंसान को तो यही कारण है अंधा होने का. ठीक है, तो चलो ऑप्शंस क्या है देखते हैं कि भाई क्या क्या रीजन हो सकते हैं. हाइपरमेट्रोपिया नहीं, बायोपिया नहीं, लेस स्लिप नहीं. यस, कैटारैक्ट इज आवर करेक्ट ऑप्शन. अंधा होने का कारण क्या है? कैटारैक्ट है. बिल्कुल ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन को भी करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में से भी एक वर्ड को उठाएंगे और उसी को पैसेज में ढूंढेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सेलेक्ट द पॉसिबल कॉजेज ऑफ कैटारैक्ट इन ओल्ड एज. अब देखो कह रहा है कि भाई कैटारैक्ट होने का ओल्ड एज में क्या कारण है, क्या कॉज है. ठीक है, अब कैटारैक्ट और ओल्ड एज इस वर्ड को हम पैसेज में ढूंढेंगे. कहां पर यूज हुआ है? देखो कैटारैक्ट एंड ओल्ड एज, कैटार या देखो ओल्ड एज वन स्टार्ट ग्रोइंग. देखो क्या कारण है कैटारैक्ट होने का बुढ़ापे में, जब इंसान बूढ़ा होने लगता है तो क्या कारण है जिसकी वजह से उसे मोतियाबिंद हो जाता है. देखो एज वन स्टार्ट ग्रोइंग, जब जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है उसके आंखों की जो लेंस होती है वो हार्ड हो जाती है, कड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से लेंस के इस तरफ और उस तरफ दिखाई नहीं देता और लेंस पूरी तरीके से ओपेक हो जाता है, मतलब बिल्कुल भी लेंस के थ्रू हम देख नहीं पाते हैं. तो 3 कारण हैं
आई आई का जो लेंस होता है वो कड़ा हो जाता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी खो जाती है और वो लेंस जो है वो ओपेक बन जाता है। तो तीन कारण है ना। देखो ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, हार्डनिंग ऑफ लेंस ड्यू टू लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, हाँ ऊपर दोनों होगा, तीसरा वाला भी होगा कि बिकम्स ओपेक। तो ऑल ऑफ द अबव आवर करेक्ट आंसर होगा, मतलब बुढ़ापे में मोतियाबिंद होने का क्या कारण है, हमारी लेंस हार्ड हो जाता है, आंखों की जो लेंस होती है वो हार्ड हो जाता है, कड़ा हो जाता है और वो अपनी ट्रांसपेरेंसी खो देता है, मतलब उस लेंस से अब इस तरफ उस तरफ नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि वो लेंस पूरी तरीके से धुंधला हो जाता है, ओपेक हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों कारण है कैटारेक्ट होने का। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री को करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री पूछ रहा है कि हाउ डज कैटारेक्ट अफेक्ट द विक्टिम अल्टीमेटली, मतलब जिस इंसान को मोतियाबिंद हो गया उस इंसान को क्या दिक्कत आती है अल्टीमेटली, मतलब आखिरकार उस इंसान को दिक्कत क्या होती है मोतियाबिंद होने से, क्या दिक्कत होती है, क्या वो आधा अंधा हो जाता है, क्या वो कलर ब्लाइंड हो जाता है, मतलब उसको कुछ कलर दिखना बंद हो जाता है, क्या उसके आंखों के अंदर लाइट नहीं आ पाती, या इनमें से कोई नहीं। चलो पढ़ते हैं कि भाई जिस इंसान को मोतियाबिंद हो जाता है उसको क्या दिक्कत होती है, शायद पहले पैसेज में मिल जाएगा। देखो लिखा गया है ना, इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द लाइट रेज फ्रॉम एंटरिंग द आई, मतलब जिस इंसान को कैटारैक्ट हो गया उसके अंदर आंखों के अंदर लाइट नहीं आ पाती है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन देखते हैं थर्ड वाले में से, क्या हम पार्शियल ब्लाइंड हो जाएंगे, नहीं, क्या हम कलर ब्लाइंड हो जाएंगे, नहीं, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि भाई अगर किसी इंसान को मोतियाबिंद हो जाता है तो उस इंसान के आंखों के अंदर लाइट एंटर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री भी हमारा हो गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि भाई हाउ डज ऑनसेट ऑफ कैटारैक्ट कैन बी डिटेक्टेड, मतलब अगर किसी इंसान को मोतियाबिंद होना अभी शुरू हुआ है तो इस चीज का पता कैसे लगाया जा सकता है। अब देखो इस क्वेश्चन में से एक वर्ड ढूंढ लो, ऑनसेट, इसी को पैसेज में हमें ढूंढना है। ऑनसेट वर्ड कहां यूज हुआ है, देखो ऑनसेट वर्ड कहां यूज हुआ है, ऑनसेट ऑनसेट ये देखो सेकंड ही पैराग्राफ में ऑनसेट वर्ड यूज हुआ है। देखो कह रहा है कि द ऑनसेट ऑफ कैटारैक्ट ब्लर्स द विजन, मतलब जब किसी इंसान को मोतियाबिंद होता है तो उसको धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, और क्या होता है, द कैटारैक्ट पेशेंट सीन मल्टीपल इमेजेस, उसे बहुत सारे इमेजेस दिखाई देने लगते हैं, मतलब अगर किसी इंसान को मोतियाबिंद हो रहा है ना तो उसके सामने एक इंसान खड़ा है तो उसको लगेगा कि दो तीन इंसान खड़ा है। ठीक है, चलो तो कैटारैक्ट का दो 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 हमारे पास साइन है कि सबसे पहले हमें धुंधला दिखाई देने लगता है, दूसरा हमें चीजें डबल डबल दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो दो कारण हो सकते हैं। चलो अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या कह रहा है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर का क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाई कैटारैक्ट होने का पता हमें कैसे चलेगा, क्या हमें दो दो चीजें दिखाई देने लगती हैं, बिल्कुल, क्या हमारा विजन ब्लर हो जाता है, हमें धुंधला दिखाई देने लगता है, बिल्कुल। सो बोथ ए एंड बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव से भी हमें एक वर्ड को ढूंढना है और उसी को पैसेज में ढूंढना है। कह रहा है कि फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटारैक्ट, कैटारैक्ट क्यों होता है। चलो एक वर्ड हमने ढूंढ लिया फैक्टर, अब इसी वर्ड को हमें पैसेज में ढूंढना है कि भाई कैटारैक्ट का फैक्टर क्या है। फैक्टर 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 कहां वर्ड यूज हुआ है, ये देखो फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स है कैटारैक्ट होने के, पूरा पढ़ते हैं। हाउएवर द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन बी अट्रीब्यूटेड टू इट्स फॉर्मेशन, क्या क्या फैक्टर है। कैटारैक्ट जनरली डेवलप्स इन ओल्ड एज बट समटाइम्स चिल्ड्रन आर बॉर्न विद कैटारैक्ट बिकॉज ऑफ हेरिडेटरी डिफेक्ट, आइस इंजरीज, मतलब आंखों में चोट लग गई, या हो सकता है जन्म से ही इंसान कैटारैक्ट का शिकार हो गया हो, मतलब मोतियाबिंद इंसान को जन्म से ही हो, या बूढ़े होने पर कैटारैक्ट होता है। तो ये तीन कारण है। अब तीनों में से देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, बुढ़ापा, हेरिडेटरी डिफेक्ट और आइस इंजरीज, ये तीन कारण है याद रखना। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। क्या आई इंजरी, बिल्कुल, डैमेज ऑफ आई नर्व, नहीं ये कारण तो नहीं है। मोबाइल यूज करना, एक्सेसिव यूज ऑफ स्क्रीन, नहीं ये भी नहीं है। ऑल ऑफ द अबव, नहीं ये भी नहीं है। तो हमारा कौन सा कारण है जिसकी वजह से हमें मोतियाबिंद हो सकता है, आंखों में अगर चोट लग जाती है तो यही कारण होता है इंसान को मोतियाबिंद हो सकता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछ रहा है कि भाई फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैराग्राफ नंबर वन, जिसका मतलब होता है दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट इंटर।
कह रहा है कि भाई आपको इन चारों में से वो वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब होता है कि जिसके थ्रू लाइट अंदर नहीं जा सकती है। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि किसी चीज के थ्रू हमें दोनों तरफ दिखाई दे। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट तो होगा नहीं। कॉर्निया, कॉर्निया हमारे आईज का एक पार्ट है, तो इसका भी मतलब ये नहीं होता है। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रोकना। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब ये नहीं होता कि लाइट अंदर ना जा सके। ठीक है, यस। ओपेक, ओपेक का मतलब क्या होता है? ओपेक का मतलब होता है कि जिसके थ्रू लाइट अंदर ना जा सके। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू लाइट पास नहीं कर पाती है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? ओपेक। सो दिस इज हाउ वी हैव डन ऑल द 6 क्वेश्चन फ्रॉम गिवन 8 क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चंस थे, हमने 6 कर लिए। नाउ इज द टाइम कि अब हम ग्रामर और राइटिंग सेक्शंस पर चलें। ठीक है, सो ग्रामर के क्वेश्चंस को करते हैं। आपके पास टोटल 6 क्वेश्चंस हैं ग्रामर के, करने केवल 5 हैं। इसके बाद हम राइटिंग सेक्शन को करेंगे। ठीक है, चलो ग्रामर के क्वेश्चन को करते हैं। आपको पता होगा कि भाई हमारे ग्रामर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो अलग अलग टॉपिक से हैं, टेंसेस से हैं। ठीक है, मोडाल्स से हैं, टेंसेस से हैं, मोडाल्स से हैं, प्रेपोजिशन से भी पूछे गए हैं। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच से भी पूछे गए हैं। तो मतलब ग्रामर के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स से हमें यहां पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो तो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, शायद डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। सो ध्यान से करना भाई, किसी चीज का कुछ भी पता नहीं है कि एग्जाम में क्या आ जाए। हो सकता है यही क्वेश्चन पेपर आपके स्कूल वाले दे दे उठा के। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1। I dash on this line before I realized my mistake. कह रहा है कि भाई I dash on this line before I realized my mistake. मतलब इसका सेंस कुछ इस तरीके से बन रहा है कि मुझे बाद में अपनी गलती पता चली, मैं तब तक उसी लाइन पर काम कर रहा था। वर्क है ना, तो देखो अब यहां पर क्या यूज होना चाहिए। ये पास्ट टेंस है, रियलाइज वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब ये पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में है तो एम का यूज तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया एम तो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। तो केवल 1, 2 और 3 इन्हीं में से कुछ ना कुछ यूज होगा। तो चलो, आई वर्कड ऑन दिस लाइन, बिल्कुल यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि आई वॉस वर्कड होता नहीं है। वॉस के साथ क्या लगा होता है? आईएनजी फॉर्म लगा होता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हैड बीन वर्किंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि भाई जहां पर हैड का यूज हो जाए ना, वहां पर सिंस या फॉर यूज होता ही होता है, या कोई टाइम दिया गया रहता है। यहां पर टाइम नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? वर्कड। हम यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म भरेंगे। इसका मतलब क्या हो जाता है? आई वर्कड ऑन दिस लाइन, मतलब कह रहा है कि मैंने इस लाइन में तब तक काम किया जब तक मुझे अपनी गलती महसूस नहीं हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा प्रेपोजिशन से है। ठीक है, देखो प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस को करने के लिए ना आपको क्या करना है, बस इस सेंटेंस का हिंदी मतलब निकालना है। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि शी शुड बी असेम्ड हर एक्शंस, मतलब उसे शर्मिंदा होना चाहिए अपने एक्शंस, अपने किए पर, अपने किए पर उसे शर्मिंदा होना चाहिए। तो एट का मतलब क्या होता है? एट का मतलब होता है पर। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है का, बाई का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है द्वारा। ठीक है, और इन का मतलब होता है मे। अब आप बताओ यहां पर क्या यूज होगा, क्या यूज होगा? पर, का, द्वारा या मे? एट, ऑफ, बाई या इन, इन चारों में से क्या यूज होगा? उसे अपने किए पर पछतावा है ना, उसको अपने किए पर पछतावा है, मतलब उसने जो काम किया उसको अपने किए पर पछतावा है। मतलब सी शुड बी असेम्ड एट हर एक्शंस। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भाई व्हेन आई वाज इन ट्रबल, मतलब जब मैं मुश्किल में था तो देयर इज डैश टू हेल्प मी। जब मैं मुश्किल में था तो यहां पर कुछ ऐसा सेंस बनना चाहिए कि जब मैं मुश्किल में था तब मेरी किसी ने मदद नहीं करी। ठीक है, तो देखो ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, ऑप्शंस के बाद ही हमें पता चलेगा कि इसमें क्या फिलअप करना है। व्हेन आई वाज इन ट्रबल देयर इज एनी वन टू हेल्प मी, नो वन टू हेल्प मी, समवन टू हेल्प मी या ऑल? Obviously भाई no one is our correct answer। क्यों? कह रहा है कि भाई जब मैं मुश्किल में था तब मेरी मदद करने कोई नहीं आया। No one, कोई नहीं का मतलब क्या होता है? No one। अगर हम यहां पर anyone भर देते हैं तो गलत हो जाएगा, अगर हम यहां पर someone भर देते हैं तब भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई anyone और someone पॉजिटिव केस में यूज होते हैं। ठीक है, no one का मतलब कोई नहीं, ये निगेटिव केस है। तो जब मैं ट्रबल में था, जब मैं मुश्किल में था तो मेरी मदद करने कोई नहीं आया। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे?
नो वन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए, ए बी सी में से कौन सा सही है, बी ऑप्शन जिसमें नो वन लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि भाई डैश व्हाट ही सेज, आपको क्या करना है, वो जो कह रहा है उसको सुनना है, क्योंकि लिसन और हियर का मतलब तो सुनना ही होता है, तो इन्हीं में से कुछ भरा जाएगा। अब देखो आपको पता होना चाहिए भाई लिसन और हियर में क्या फर्क है। हियर का मतलब होता है आप जनरल वे में कुछ सुन लेते हो, मतलब आप रोड पर जा रहे हो, रोड पर जाते जाते आपने कुछ सुन लिया, मान लो किसी डीजे की आवाज आ रही है, किसी शादी में गाना बज रहा है, आपने ऐसे ही सुन लिया, आपने ध्यान लगाकर नहीं सुना। जिस चीज को आप ध्यान लगाकर नहीं सुनते हो उसके लिए हम हियर वर्ड का यूज करते हैं, और लिसन वर्ड का यूज किस लिए करते हैं, जब आप किसी चीज को ध्यान से सुनते हो, केयरफुली सुनते हो, जैसे आप अपनी टीचर की बातें लिसन करते हो, हियर नहीं करते। ठीक है, तो आपको यहां पर कह रहा है कि भाई उसकी बात सुनो, उसकी बात सुनना है मतलब हमें ध्यान से सुनना पड़ेगा, तो केवल लिसन टू या लिसन में से ही कुछ यूज होगा, हियर वर्ड का यूज नहीं होगा। अब आपको पता करना है कि लिसन टू यूज होगा या लिसन यूज होगा, तो ध्यान रखना अगर किसी किसी को सुनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिसन टू का यूज करना पड़ेगा। लिसन टू, लिसन का मतलब होता है सुनो, किसे सुनो, टू व्हाट ही सेज, लिसन टू व्हाट ही सेज मतलब उस चीज को सुनो जो वो कह रहा है, इसलिए यहां पर लिसन वर्ड का भी यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिसन के साथ टू का होना जरूरी है, हमें सुनना है किसे सुनना है, टू व्हाट ही सेज, हमें सुनना है कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नाउ फिफ्थ की बात करते हैं, नाउ अ डेज मतलब आजकल, सी डैश हर ड्रॉइंग बोर्ड टू स्कूल, आजकल वो क्या कर रही है, सी कैरीड मतलब लेकर आती थी या लेकर आती है, या टेक या टेकन, तो भाई देखो शी है, तो शी है तो शी के साथ हमेशा आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस लगती है ना, यहां पर पास्ट टेंस में तो ये सेंटेंस है नहीं। क्यों? क्योंकि नाउ अडेज की बात हो रही है, नाउ अडेज का मतलब आजकल, आजकल मतलब प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट का वर्ब तो यूज होगा नहीं, तो कैरीड तो बिल्कुल नहीं होगा, टेक वर्ड भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई टेक में एस और ईएस तो लगा नहीं है। टेकन भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये भी पास्ट फॉर्म हो गया, तो बचा क्या, कैरीज मतलब आजकल वो क्या करती है, सी कैरीज हर ड्रॉइंग बोर्ड टू स्कूल, आजकल वो अपने स्कूल में क्या ले आती है, अपना ड्रॉइंग बोर्ड ले आती है। ठीक है, चलो तो कैरीज हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपने टेंस में पढ़ा होगा जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, आते हैं, उस सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस लगता है। ठीक है, तो ये सिंगुलर है इसलिए एस और ईएस लगेगा, एस और ईएस किस में लगा है, कैरीज में लगा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। सो दिस इज हाउ वी हैव डन ऑल द फिफ्थ क्वेश्चन, ऑल द फाइव क्वेश्चन फ्रॉम दिस ग्रामर सेक्शन। नाउ इट इज द टाइम टू मूव टू राइटिंग सेक्शन, और इस बार का राइटिंग सेक्शन ना बिल्कुल तगड़ा होने वाला है मेरी जान, एकदम अलग होने वाला है। आपको छह क्वेश्चंस दिए हैं, पांच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको राइटिंग सेक्शन में से करने। आपको पता है राइटिंग सेक्शन में आपको केवल दो ही चीजें दी जा सकती हैं, या तो स्टोरी, क्लास नाइन्थ में या तो स्टोरी आ रहा है या तो डायरी राइटिंग आ रहा है। ठीक है, या तो स्टोरी या तो डायरी राइटिंग। अब देखो यहां पर क्या दिया गया है, कह रहा है कि भाई तुम नेहा हो, मान लो तुम नेहा हो, मुझे पता है तुम नेहा नहीं हो, ठीक है, मान लो तुम नेहा हो, चलो मान लिया भैया मैं नेहा हूं, टुडे इज योर बर्थडे, आज तुम्हारा बर्थडे है, क्या बात है, तुम्हारे पापा ने तुम्हें लैपटॉप गिफ्ट किया, क्या बात है, तुम बहुत खुश हो, क्यों, क्योंकि तुम इसी लैपटॉप को बहुत समय से चाहते थे कि ये लैपटॉप मेरे पास रहे। बिफोर गोइंग टू बेड यू इंटेंड टू शेयर योर जॉय विथ योर डायरी, तुम सोने जा रहे थे तभी तुमने सोचा कि क्यों ना आज जो पापा ने मुझे लैपटॉप दिया है, आज मैं बहुत खुश हूं, अपनी खुशी को मैं अपनी डायरी के साथ शेयर करूं। लोग अपनी डायरी को अपना दोस्त मानते हैं, दोस्त से सब कुछ बताते हैं ना, तो भाई नेहा का दोस्त कौन, डायरी, वो डायरी लिखने जा रही है नेहा, अब आपको डायरी लिखने में नेहा की मदद करनी है, कैसे मदद करोगे, क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट शुड द ओपनिंग ऑफ डायरी कंटेन, जब हम डायरी लिखना शुरू करते हैं तो हमें क्या क्या लिखना पड़ता है, क्या हमें डेट लिखना पड़ता है, बिल्कुल, डायरी किस डेट को लिखी जा रही है ये लिखना कंपलसरी है, टाइम, बिल्कुल टाइम भी लिखा जाता है, डियर डायरी, बिल्कुल ये भी लिखा जाता है, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपने डायरी एंट्री का फॉर्मेट पढ़ा होगा, उसमें आपको बताया गया होता है कि भाई जब डायरी लिखी जाती है तो डेट, टाइम और डियर डायरी, ये तीनों लिखा जाता है, मतलब ऑल ऑफ द अबव हमारा क्या है,
करेक्ट आंसर है। इस बार आपको डायरी लिखनी नहीं है, बस मदद करना है कि डायरी लिखी कैसी जाती है। ठीक है, तो हमने नेहा की मदद कर दी कि भाई नेहा तुम जब डायरी लिखना शुरू करोगी तुम्हें डेट टाइम और डे डायरी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ देम हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस टू स्टार्ट राइटिंग डायरी। मतलब आप डायरी लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी जो पहली लाइन होगी वो कौन सी होनी चाहिए। My joy knows no bound today. It is my birthday and my father gifted me a laptop. कह रहा है कि भाई क्या ये लाइन सही है कि आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने आज मुझे लैपटॉप गिफ्ट किया। क्या ये लाइन हो सकता है कि टुडे आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम माय फादर एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे? नहीं, ये नहीं हो सकता। आप डायरेक्टली बता दे रहे हो कि आज मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है, आपको थोड़ा सा क्या बनाना है, थोड़ा सा हाइप बनाना है, थोड़ा सा आपको ऐसे लिखना है कि पढ़ने में मजा आए डायरी को। माई फादर गिफ्टेड मी अ लैपटॉप, मजा नहीं आया, डायरेक्टली आपने बोल दिया, नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं होगा। तो ये वाला सेंटेंस हमारा थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है कि आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्यों? क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और मेरे पापा ने मुझे लैपटॉप गिफ्ट किया। तो भाई साहब नेहा तुम्हें अपनी पहली लाइन कौन सी लिखनी चाहिए, ये वाली लिखनी चाहिए। ठीक है, तो हमने देख लिया पहले क्वेश्चन का कौन सा होगा, ऑल ऑफ द अबव। दूसरे क्वेश्चन का क्या होगा, माय जॉयस नो बाउंड टुडे, ये डायरी का पहली लाइन होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। याद रखना केवल 5 क्वेश्चन करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भाई सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सेंटेंस दैट नेहा शुड यूज टू शो How important that gift is to her. अब देखो भाई नेहा डायरी एंट्री लिख रही है और उसे गिफ्ट मिला है पापा के थ्रू, लैपटॉप उसे गिफ्ट मिला है, तो नेहा अपनी डायरी में ये भी तो लिखेगी ना, ये गिफ्ट इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब इस चीज को लिखने के लिए यहां पर 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सबसे एप्रोप्रिएट सेंटेंस होगा ये बताने के लिए कि नेहा को जो गिफ्ट मिला है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो एक एक करके पढ़ते हैं। नाउ आई वुड बी एबल टू चैट विथ माई फ्रेंड्स ओवर इंटरनेट। नेहा कहती है कि भाई ये लैपटॉप मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं अपने दोस्तों से चैट कर सकती हूं इंटरनेट पे। चलो ठीक है, हाँ बिल्कुल लैपटॉप से ये किया जा सकता है, ये लैपटॉप का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। नाउ आई वुड बी एबल टू ब्राउज द नेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट आई कुड नॉट फाइंड इन द लाइब्रेरी। नेहा कहती है कि जो मुझे ये गिफ्ट मिला है, ये जो लैपटॉप मिला है, इससे मुझे जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी मैं इंटरनेट से निकाल लूंगी, अब मुझे लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये भी किया जा सकता है लैपटॉप से। तीसरा, नाउ आई वुड बी एबल टू प्ले गेम्स इन द लैपटॉप। नेहा कहती है कि मैं अपने लैपटॉप में गेम भी खेल सकती हूं। हाँ बिल्कुल सही है भाई, ये तीनों सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। ये तीनों सेंटेंस नेहा लिख सकती है ये बताने के लिए कि ये लैपटॉप इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एनी ऑफ द अबव हमारा जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आप इन तीनों में से कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हो और नेहा को बता सकते हो कि नेहा आप इन तीनों में से कोई भी सेंटेंस लिख दो डायरी एंट्री में, आपका सही होगा। ठीक है, तो एनी ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इन विच टेंस डायरी एंट्री इज जनरली रिटेन। कहा जा रहा है कि भाई जब हम डायरी लिखते हैं तो हम जनरली कौन से टेंस में डायरी लिखते हैं। तो भाई आपको पता होना चाहिए यार, डायरी हम डेली लिखते हैं, डायरी का मतलब ही होता है जो हम डेली लिखें। ठीक है, जो आज आपके साथ हुआ आज आप रात में डायरी में लिखोगे, मतलब प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई डायरी आज ही तो लिख रहे हो ना आप, तो आज ही लिख रहे हो। आज का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट। पास्ट में नहीं लिखी जाती डायरी, फ्यूचर में भी नहीं लिखी जाती, और ऐसा भी नहीं है कि डायरी में कोई टेंस यूज नहीं होता। तो ये तीनों गलत है, ऊपर वाला हमारा बिल्कुल सही है कि भाई हम जब भी हम डायरी लिखते हैं हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट शुड एंडिंग ऑफ द डायरी कंटेन। कह रहा है कि चलो नेहा ने डायरी लिख दी, अब डायरी लिखने के बाद नेहा को लास्ट में क्या लिखना है, क्या नेहा को अपना साइन करना है, क्या नेहा को टॉपिक का नाम लिखना है कि किस टॉपिक पे वो डायरी लिख रही है, क्या नेहा को अपने दोस्त का नाम लिखना है या नेहा को खुद अपना नाम लिखना है। तो आपको पता होगा यार कि जब भी हम डायरी लिखते हैं तो शुरुआत में हम क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर हम डेट लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, फिर हम टाइम लिखते हैं। ठीक है, फिर हम लिखते हैं डियर डायरी, क्या लिखते हैं, डियर डायरी। ये तो स्टार्टिंग में हो गया, फिर हम पूरा डायरी लिखते हैं, लास्ट में हम क्या लिखते हैं, लास्ट में हम राइटर का नाम लिखते हैं कि ये जो डायरी है ये लिख कौन रहा है। ठीक है, तो राइटर्स नेम हमारा बिल्कुल
करेक्ट होगा कि भाई डायरी के लास्ट में क्या लिखा जाता है, राइटर का नाम लिखा जाता है। तो इस तरीके से हमने राइटिंग सेक्शन के भी 5 क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, इस बार का जो राइटिंग सेक्शन आने वाला है थोड़ा डिफरेंट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, आपको एक्चुअली इसमें कुछ लिखना नहीं है, आपको बस मदद करनी है कि भाई कौन सी जगह कौन सी लाइन आनी चाहिए। ठीक है, यहां पर देखो नेहा आपके लिए डायरी लिख रही है, बस आपको नेहा की मदद करनी है कि डायरी के शुरुआत में क्या लिखना है, डायरी के बीच में क्या लिखना है, ठीक है, डायरी के लास्ट में क्या लिखना है, जैसे अभी हमने किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द राइटिंग सेक्शन, लेट्स मूव टू लिटरेचर सेक्शन। टोटल हमारा जो लिटरेचर है वो 20 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, और लिटरेचर का जो पहला क्वेश्चन है ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। आपको पता होना चाहिए कि इस बार का जो लिटरेचर सेक्शन होने वाला है इसमें 4 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, 4 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया। चलो तो एक एक करके हम इनको करते हैं कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर एनी 5 out of 6 क्वेश्चन। कह रहा है कि भाई 6 क्वेश्चन दिए हैं, आपको करना केवल 5 है, आपको इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और इसी से आपको आंसर करना है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। ये जो पूरा हमारा एक्सट्रैक्ट है ये कौन से चैप्टर का है, द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर का है। आपने पढ़ा होगा द साउंड ऑफ म्यूजिक, दिस इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर बिहाइव बुक। ठीक है, चलो पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। कहा गया है कि भाई रस आर क्राउड्स जोसल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। ये चैप्टर जब शुरू होता है तभी की लाइन है कि भाई धक्का मुक्की हो रही थी, लोग अपने जगह को लेने के लिए, मतलब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और अपने जगह को लेने के लिए लोग धक्का मुक्की करके ट्रेन में चढ़ना चाह रहे थे। ठीक है, और वहीं पर एक छोटी सी बच्ची थी जो अपने 17 साल से भी छोटी लग रही थी, मतलब ये बच्ची 17 साल की थी लेकिन लग नहीं रही थी 17 साल की है। ठीक है, और ये बच्ची काफी नर्वस थी, काफी एक्साइटेड थी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इसकी तरफ ट्रेन बढ़ रहा था, ट्रेन की जैसे जैसे वाइब्रेशन आ रही थी, जैसे जैसे इवलान ग्लैनी ट्रेन की वाइब्रेशन को फील कर पा रही थी ना, वो एक्साइटेड हो जा रही थी। क्यों? क्योंकि आज के पहले इवलान ग्लैनी ने कोई ऐसी चीज ना सुनी थी, ना देखी थी, ना फील किया था। ठीक है, इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टीजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। ये लड़की कहां जा रही थी? ये रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जा रही थी जो कि लंदन में है, और इस लड़की के लिए ये काफी डरावना था क्योंकि भाई कोई भी बच्चा जो अपने गांव से निकलकर, स्कॉटिश फार्म का मतलब होता है स्कॉटलैंड का गांव, कोई भी बच्ची गांव से निकलकर लंदन जाए तो वो उसके लिए डरावना तो होता ही होता है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस द बिगर चैलेंज देन मोस्ट, सी वॉज प्रोफाउंडली डीप। कह रहा है कि भाई ये सब डरावना उसके लिए कुछ भी नहीं था, ये तो डर उसके लिए कुछ भी नहीं था। इस बच्ची ने, इस 17 साल की बच्ची ने अपने जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है, जैसे वो जन्म से ही बहरी हैं और वो इस चीज का सामना कर रही हैं। तो ये रहा भाई हमारा पूरा पैसेज, पैसेज से क्वेश्चंस भी हैं, करते हैं। कह रहा है कि नेम द चैप्टर व्हेन दिस एक्सट्रैक्ट हैड बी टेकन। कौन से चैप्टर से ये हमारा जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है? आपको पता होना चाहिए द साउंड ऑफ म्यूजिक, दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ योर लिटरेचर। ठीक है, पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन की हु इज द ऑथर ऑफ द साउंड ऑफ म्यूजिक। इस चैप्टर को लिखने वाला राइटर का नाम क्या है? डेबरा कॉली है। याद रखना द साउंड ऑफ म्यूजिक को किसने लिखा था? डेबरा काउली ने लिखा था। व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद दैट गर्ल? भाई एवलान ग्लैनी के साथ क्या दिक्कत थी? क्या वो डम्ब थी? डम्ब का मतलब क्या वो बोल नहीं पाती थी? नहीं, वो बोल सकती थी। क्या वो बहरी थी? जी बिल्कुल, वो बहरी ही तो थी। एवलान ग्लैनी क्या थी? सी वॉज डीफ। ठीक है, सी वॉज लेम। लेम का मतलब क्या वो लोगों से दूर दूर रहती थी? नहीं। क्या वो पैरालाइज थी? नहीं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सी वॉज डीप। गॉट इट। चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जोसल वर्ड का मतलब क्या है? पैसेज में एक वर्ड यूज हुआ है, आप देख रहे हो स्टार्टिंग में ही एक वर्ड यूज हुआ है, रस आर क्राउड जोसल फॉर पोजिशन। जोसल का मतलब क्या होता है? धक्का मुक्की करना। ठीक है, लोगों को धक्का देकर आगे बढ़ना, तो इसको कहते हैं हम जोसल। तो आपसे कह रहा है कि भाई जोसल का मतलब क्या है? आपको चूज करना है, फोर्स योर वे बाई पुशिंग, धक्का मुक्की करके अपना रास्ता बनाना, या लोगों से रिक्वेस्ट करके अपना रास्ता बनाना, या इधर उधर घूमना, या नन ऑफ दीज। बिल्कुल, फोर्स योर वे बाय पुशिंग। जोसल का मतलब क्या होता है? धक्का मुक्की करना, यानी लोगों को फोर्स करके, धक्का देके अपना रास्ता बनाना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फोर्स योर वे बाय पुशिंग। लेट्स मूव टू द 5th क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैसेज। कह रहा है कि भाई वेयर दिस यंग गर्ल वॉज गोइंग, ये लड़की कहां जा रही थी? तो देखो मैंने आपको पैसेज में अभी बताया था ये लड़की कहां जा रही थी, इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टीजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। ये लंदन जा रही थी, क्यों? क्योंकि वहां पर इसे एडमिशन लेना था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में। ठीक है, तो ये वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हियर इट इज, वी हैव डन ऑल द
5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6, 6 क्वेश्चंस थे जिसमें हमने 5 कर लिए। नेक्स्ट पैसेज पर चलते हैं। आपको इस पैसेज में केवल 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। पैसेज क्या है? दिस इज फ्रॉम रेन ऑन द रूफ चैप्टर। आपने पढ़ा होगा रेन ऑन द रूफ चैप्टर, ठीक है? ये पोयम है, ये पोयम है, और इस पोयम की यहां पर कुछ लाइंस दी गई हैं, और इन्हीं लाइन के बेस पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। देखो पोयम क्या है, नाउ इन मेमोरी कम माई मदर। पोएट कहता है कि भाई बरसात की आवाज सुनकर मेरे दिमाग में मेरी माँ की याद आती है। मेरी माँ की याद इसलिए आती है क्योंकि माँ अब नहीं है मेरे साथ। वो कुछ साल पहले तक जिंदा थी, अब वो हमारे साथ नहीं है। मेरी माँ क्या करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, हम जैसे डार्लिंग ड्रीमर्स को, मतलब पोएट अपने आप को कह रहा है कि भाई मैं जब छोटा बच्चा था तो मैं बरसात के मौसम में सोकर बहुत आराम से सपने देखा करता था, ठीक है? तो डार्लिंग ड्रीमर्स पोएट जैसे लोगों के लिए यूज हुआ है। तो कह रहा है कि भाई जो पोएट की माँ थी ना, वो पोएट को क्या करती थी, सोने दिया करती थी शाम तक, ताकि पोएट आराम से क्या कर सके, सपने देख सके, ठीक है? उसके बाद पोएट कहता है कि ओ आई फील हर फॉन्ड ऑन मी, मैं अब भी महसूस कर सकता हूं अपनी माँ को, ठीक है? जैसे जैसे मैं इस बारिश की आवाज सुनता हूं, मैं अब भी अपनी माँ को महसूस कर सकता हूं। और ये बारिश की आवाज कहां आ रही थी, प्लेड अपॉन द सिंगल्स। सिंगल्स का मतलब मैंने बताया था, जो रेक्टेंगुलर खपड़ैल, जानते हो गांव में खपड़ैल होते हैं जो छतों पर लगाए जाते हैं, रेड कलर के होते हैं, ठीक है? तो उसी को हम शिंगल्स कहते हैं। तो कह रहा है कि भाई जैसे जैसे मेरे छत के सिंगल पर, मेरे छत के खपड़े पर बारिश की बूंदे आ रही थी ना, वैसे वैसे मेरी माँ भी मुझे याद आ रही थी। तो दिस इज द लाइन, और इस लाइन का मतलब भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर करने। कह रहा है कि भाई वॉट इज द मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट। पोएट के दिमाग में बारिश के मौसम में कौन सा याद आता है, कौन याद आता है पोएट को? देखो यहां लिखा गया ना माई मदर, तो माई मदर इज आवर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई हु आर द डार्लिंग ड्रीमर। डार्लिंग ड्रीमर वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? क्या पोएट की पत्नी के लिए? नहीं, पोएट की पत्नी कहां आ गई यहां पर? क्या पोएट के पापा के लिए? नहीं, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल नहीं। हमारा लवली ड्रीमर्स लाइक पोएट, पोएट जैसे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे जो बरसात के मौसम में सो जाते हैं और सपने देखते हैं सुहावने सुहावने प्यारे प्यारे, उनको हम लवली ड्रीमर्स या डार्लिंग ड्रीमर्स कह सकते हैं, ठीक है? तो डार्लिंग ड्रीमर किसके लिए यूज हुआ है? लवली ड्रीमर्स लाइक पोएट। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है भाई ट्रेस अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स। मैंने आपको बताया था ना कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स। जो छत पर हम खपड़े लगाते हैं ना, उसको हम सिंगल्स कहते हैं। ये हमारा जो छत पर खपड़े लगाया जाता है वो रेक्टेंगुलर साइज का होता है, बिल्कुल टाइल्स की तरह होता है, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिंगल्स कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पैसेज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंग्लिश लिटरेचर। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है कि भाई रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर एनी 5 of 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन दिए हैं आपको, करना केवल 5 है। ये आपके सप्लीमेंट बुक से है, ठीक है, मूवमेंट्स वाली बुक से है। ये द एडवेंचर ऑफ टोटो, यस द एडवेंचर ऑफ टोटो, द एडवेंचर ऑफ टोटो ये चैप्टर है जिस चैप्टर से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया। चलो पढ़ते हैं। कह रहा है कि ग्रैंड मदर ऑलवेज फुस्ड, ग्रैंड मदर हमेशा गुस्सा हो जाया करती थी जब ग्रैंड फादर कोई नई पक्षी या एनिमल अपने घर में लाते थे तो, ठीक है? इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि जो टोटो है इसके प्रेजेंस को सीक्रेट रखा जाएगा। मतलब दादी हमेशा गुस्सा हो जाती थी अगर कोई नया जानवर घर में आता था तो, इसलिए टोटो को दादाजी ने छुपा कर रखा था। और तब तक छुपा कर रखने का इनका प्लान था जब तक दादी अच्छे मूड में नहीं आ जाती और दादी को बता नहीं दिया जा सकता, ठीक है? आगे देखते हैं। ग्रैंडफादर और ये जो राइटर है इस चैप्टर का, वो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों ग्रैंडफादर का एक अलमारी था, एक क्लोजेट था, उसी में टोटो को छुपा कर रख देते हैं और वहां पर ये टोटो को बांध देते हैं, बहुत ही सावधानी पूर्वक बांध देते हैं। किस चीज से बांधते हैं, टू अ पेग फास्टेंड इनटू द वॉल। पेग, पेग, पेग का मतलब होता है एक कीला लगा था, एक कील, कील में से रस्सी लगाकर उन्होंने टोटो के गले में टोटो को बांध दिया, ठीक है? तो दिस वॉज द पैसेज। अब इसी पैसेज से कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट वॉज ग्रैंड मदर्स रिएक्शन वेन एनी एनिमल वॉज ब्रॉट होम। मतलब दादी को कैसा फील होता था जब कोई नया पक्षी या जानवर घर में आता था तो, क्या वो उस जानवर को एकदम प्यार से अपना लेती थी, क्या वो उस जानवर के साथ खेलने लगती थी, क्या वो उस जानवर को हक करती थी, उसे प्यार करती थी, या दादी डिस्टर्ब हो जाया करती थी और गुस्सा होती थी। बिल्कुल यही होगा,
फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा कि भाई जब दादाजी कोई नया जानवर या पक्षी लेकर आते थे घर में तो दादी जो थी वो गुस्सा हो जाया करती थी, वो डिस्टर्ब हो जाया करती थी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं। वेयर वॉज टोटो केप्ट इन ऑर्डर टू हाइड इट फ्रॉम द ग्रैंड मदर। टोटो को कहां रखा गया था, खेतों में, पिंजड़े में, दादाजी के अलमारी में या नौकरों के कमरे में? बिल्कुल दादाजी के अलमारी में टोटो को रखा गया था बांध के। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई फास्टेंड वर्ड का मतलब क्या होता है। फास्टेंड का मतलब होता है भाई टाइट बांधना, ठीक है, टाइटली किसी चीज को एकदम पकड़ के बांध देना, एकदम टाइटली बांध देना। तो बी, बी इज आवर करेक्ट आंसर, टाइट। टाइट का मतलब क्या होता है, बांधना। फास्टेंड का मतलब भी क्या होता है, बांधना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई व्हाई वाज टोटोस प्रेजेंस शुड बी केप्ट सीक्रेट। मतलब टोटो को जब दादाजी घर पर लेके आए तो वो दादी जी से क्यों छुपाना चाहते थे, क्योंकि ग्रैंड मदर वुड गेट डिस्टर्ब, क्योंकि दादी गुस्सा हो जाती। बिकॉज ग्रैंड फादर वॉन्टेड टू हाइड टोटो फ्रॉम एवरीवन, क्या दादा टोटो को सबसे छुपा कर रखना चाहते थे? नहीं। बिकॉज टोटो वॉज डिटेक्टिव, क्या टोटो एक डिटेक्टिव था इसलिए टोटो को छुपा कर रखा गया? नहीं, नन ऑफ द एवर भी नहीं होगा। हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि भाई दादी जी डिस्टर्ब हो जाया करती थी, दादी जी गुस्सा हो जाया करती थी, इसलिए टोटो को छुपा कर रखा गया, सीक्रेटली रखा गया। ठीक है, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैसेज, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन सेम एज टू बी वरीड, चिंता करना। आपको इस पैसे से एक वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब होता है चिंता करना। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास। क्लोजेट, क्लोजेट का मतलब होता है अलमारी, तो इसका मतलब तो होता नहीं है। फुज्ड, जी हाँ, फुज्ड का मतलब होता है कि टू बी वरीड या चिंता करना। तो दादी क्या करती थी, चिंतित हो जाया करती थी जब कोई नया पक्षी या जानवर उनके घर में आता था। तो ये देखो, ग्रैंड मदर ऑलवेज फुज्ड, मतलब ग्रैंड मदर क्या हो जाया करती थी, चिंतित हो जाया करती थी जब दादाजी किसी नए पक्षी या जानवर को घर में ले आते थे। ठीक है, तो दिस इज ऑल द फाइव क्वेश्चन दैट वी हैव टू डू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैसेज। नाउ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर, आपको क्या करना है, सात क्वेश्चन करना है, पूछे आपसे आठ गए हैं। ठीक है, लिटरेचर के बिहाइव और मूवमेंट के सभी चैप्टर्स में से आपको आठ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको करना केवल सात है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, आपने चैप्टर पढ़े होंगे, समरी भी पढ़ा होगा, तब भी आप कर ले जाओगे। कह रहा है कि व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, हु सेड दिस इन द चैप्टर द फन दे हैड। बिहाइव बुक का पहला ही चैप्टर है द फन दे हैड। इस बुक में एक लाइन कहा गया है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखना चाहेगा, इस लाइन को किसने कहा है? टॉमी ने कहा है, मार्गी ने कहा है, मिसेस जॉन्स ने या मिसेस ब्लेयर ने? तो भाई मिसेस जॉन और ब्लेयर तो कोई था ही नहीं, टॉमी और मार्गी में से किसने कहा? देखो भाई, टॉमी, मार्गी टॉमी से पूछती है कि ये जो बुक है ये किसके बारे में है। टॉमी कहता है कि ये स्कूल के बारे में है। मार्गी कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो इस सेंटेंस को बोलने वाला कौन है, मार्गी है। ठीक है, मार्गी ने यह कहा था कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल कोई लिखने की चीज है क्या? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं। तहार मासिकी उस्ताद बिस्मिल्ला खान ऑडिटोरियम इज सिचुएटेड इन। भाई ये उस्ताद बिस्मिल्ला खान के नेम से एक ऑडिटोरियम बनाया गया है। ये ऑडिटोरियम कहां पर बनाया गया है, तेहरान में बनाया गया। ठीक है, ये जीके का क्वेश्चन था, आप इसे छोड़ भी सकते हो क्योंकि हमें एट में से केवल सेवन ही करने हैं। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो चैप्टर हमने पढ़ा था द लिटिल गर्ल, इस चैप्टर के लास्ट में ये जो छोटी बच्ची थी केजिया, उसको क्या महसूस होता है? उसको लगता है कि उसकी दादी का बहुत बड़ा दिल है, या उसके पापा का बहुत बड़ा दिल है, या उसे ये लगता है कि उसकी माँ का जो स्माइल है वो बहुत अच्छी है, या उसकी माँ का बहुत बड़ा दिल है। तो भाई आपको पता होगा द लिटिल गर्ल चैप्टर बेटी और पापा के बारे में है। तो भाई केजिया को लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में ये फील होता है कि मैं जो आज तक अपने पापा को समझती थी, पापा ऐसे नहीं है, पापा का दिल बहुत बड़ा है, हर फादर हैड अ बिग हर्ट। ठीक है, तो दिस वॉज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, दिस इज फ्रॉम अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड चैप्टर। अल्बर्ट वर्क ऑन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वॉज प्रोक्लेम्ड बाई द न्यूज पेपर। जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिलीज हुई, जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिलीज किया, तो न्यूज पेपर वालों ने कौन सी हेडलाइन देकर इस थ्योरी को छापा था? क्या उन्होंने कहा था अ मिस्टीरियस रिवोल्यूशन, अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन,
म्यूजिकल रिवोल्यूशन या टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन? तो भाई साइंस का खोज था तो साइंटिफिक रिवोल्यूशन ही तो होगा ना। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। अल्बर्ट आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को न्यूज़पेपर वालों ने साइंटिफिक रिवोल्यूशन के नाम से पब्लिश किया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। व्हाट डज द चॉइस ऑफ रोड सिग्निफाई इन द पोयम द रोड नॉट टेकन? द रोड नॉट टेकन पोयम हमने पढ़ा है। रोड नॉट टेकन में क्या है? दो रास्ते हैं। अब ये दो रास्ते किस चीज को सिग्निफाई करते हैं, किस चीज को दिखाते हैं? क्या बहुत सारी चीजों को दिखाने के लिए ये दोनों रोड का यूज हुआ है? दो रास्तों को दिखाने के लिए? नहीं, ये दोनों गलत है। रास्तों को दिखाने के लिए बिल्कुल यूज नहीं हुआ है भाई। बहुत सारी चीजों को भी दिखाने के लिए नहीं यूज हुआ है। किस चीज के लिए यूज हुआ है? टफनेस ऑफ अ चॉइस एंड डिसीजन इन लाइफ। जी हाँ, कितना मुश्किल होता है अपने दो रास्तों में से एक को चुनना। जब तुम्हारे सामने दो रास्ते हो, दोनों एक जैसे ही लग रहे हो, तो उन दोनों में से आपको एक रास्ता चुनना जितना टफ होता है। इसलिए इस पोयम द रोड नॉट टेकन में दो रास्तों के बारे में डिस्कस किया गया। ठीक है, तो हमारा टफनेस ऑफ अ चॉइस एंड डिसीजन इन लाइफ इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि व्हाट डिड द लॉस्ट चाइल्ड से व्हेन अ मैन आस्क्ड हिम Whose baby are you? The Lost Child chapter, movement का पहला ही chapter है। उसमें जब बच्चा खो जाता है, अपने पापा मम्मी से बिछड़ जाता है, तो उसको एक आदमी मिलता है और उससे पूछता है कि भाई तुम किसके बच्चे हो? तो बच्चा क्या कहता है, बच्चे का सेंटेंस क्या होता है? वो कहता है कि आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, या वो ये कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूं, या ये कहता है कि मैं गांव में रहता हूं, या ये कहता है कि मैं भूखा हूं। भाई ये तीनों में से कुछ नहीं कहता। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए? मेरे पापा और मेरी मम्मी चाहिए। ठीक है, 7 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 क्वेश्चन कह रहा है कि हु वॉज मेड द न्यू किंग आफ्टर द प्रीवियस किंग्स एग्जीक्यूशन इन द चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इन द किंगडम ऑफ फूल्स आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर, जिसका अंधेर नगरी चौपट राजा, ये हिंदी में हमारा चैप्टर है। तो भाई इस चैप्टर में जो असली राजा रहता है, जो मूर्ख राजा रहता है, उसके मरने के बाद नया राजा कौन बनता है? जो गुरु होता है वो, या जो चेला होता है, या राजा का जो मिनिस्टर होता है, या जो राजा का बेटा होता है? राजा का बेटा भी नहीं, राजा का मिनिस्टर भी नहीं, राजा का चेला भी नहीं, ये जो गुरु रहता है, जो कहता है कि भाई जो इस सूली पर सबसे पहले चढ़ेगा उसको क्या होगा, वो इसी राज्य में दोबारा राजा बनकर जन्म लेगा। तो वही गुरु, वही गुरु क्या किया, वही नया राजा बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। व्हाट डिड द स्वेलो डू बिफोर ही फेल डाउन डेड? द हैप्पी प्रिंस चैप्टर में ये जो स्वेलो, ये जो पक्षी होती है, वो जब मरने वाली होती है तो मरने के पहले वो क्या करती है? वो प्रिंस के लिप्स पर किस करती है, या प्रिंस को ये बताती है कि वो अब मरने वाली है? बोथ ए एंड बी, या नाइदर ए नॉर बी? तो भाई हमारा बोथ ए एंड बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्योंकि जब पक्षी, ये जो स्वेलो है, ये जब मरने वाली रहती है तो वो प्रिंस के लिप्स पर किस करती है और कहती है कि अब मैं जा रही हूं, अब मैं मरने वाली। नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस सैम्पल पेपर। आपके टर्म 1 का एग्जामिनेशन कुछ ऐसा ही होने वाला है। आपके स्कूल वाले बिल्कुल ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पेपर आपके टर्म 1 के एग्जामिनेशन में देने वाले हैं। सो एक बार इसे आप फिर से रिवाइज कर लेना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर की जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन है, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है, तो वहां पर भी आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर का PDF लिंक दे दिया जाएगा। सो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल, जय हिंद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बाय बाय।